एंशंट विजडम है या हमारे जो ग्रंथ जिन्हें हम कहते हैं और जिनको हमने कभी उठा करके कभी देखा ही नहीं, उनमें क्या कुछ लिखा हुआ है और उनको किस तरह से हम डिकोड करें, ये सारे का सारा एफर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर का है। उसी सीरीज में आज का ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड लेसन फ्रॉम पंचतंत्र जो है उसको हमने आज लिया है और उसके ऊपर जो बातचीत होगी उसके बाद फिर हम आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन में बहुत सारे और तरह की बातें भी लेंगे और जो इसकी डायमेंशंस हैं उस पर चर्चा करेंगे। ज्यादा इस विषय पे ना जाते हुए और इधर उधर की बात ना करते हुए मैं सीधे सीधे आप लोगों के साथ कुछ एक बातें एक भूमिका के तौर पे, एक बैकग्राउंड के तौर पे आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। पंचतंत्र संस्कृत के एक लंबी जो ग्रंथ परंपरा है उसमें से पंचतंत्र एक है और सामान्य रूप से यही समझा जाता है पंचतंत्र बच्चों की कहानियां हैं और उन कहानियों को सुना दिया बचपन में, कॉमिक्स में हमने पढ़ लिया, लेकिन कभी भी उन कहानियों को हमने डिकोड करने का प्रयास नहीं किया। संस्कृत में जो कथाएं हैं, कहानी शब्द नहीं, कथा शब्द वहां पे प्रयोग होता है, कथा के तीन स्तर होते हैं। एक स्तर वो होता है जहां पर बड़े लोग बच्चों के साथ एक कम्युनिकेशन करते हैं और मनोरंजन उनका प्रधान मुख्य कारण होता है। बच्चों को इसलिए सुनाई जाती है क्योंकि उनकी रुचियां इस तरह की होती हैं। दूसरा स्तर होता है जहां पर एक समाज में कम्युनिकेशन करने के लिए, एक संवाद स्थापित करने के लिए कथाएं जो हैं कहा जाती थी। और आज की ये जो बातचीत है इसको भी आप इसी रूप में लें और बल्कि इस रूप में भी ले सकते हैं कि जैसे पहले समय में ये क्या कहते हैं कि पेड़ों के नीचे बैठ करके जिस तरह की चर्चाएं हुआ करती थी गांवों में, चौपाल जिसे कहते हैं, ये आज के मॉडर्न डे की जो चौपाल है ये आज के वेबिनार्स हैं। तीसरा जो स्तर है, तीसरी जो डायमेंशन है इन कथाओं की, वो होती है कि समाज में और मानवीय व्यवहार में जो कुछ चल रहा है उस सारे को किस तरह से आप रुचिकर रूप में प्रस्तुत करें बाकियों के साथ, ये महत्वपूर्ण है। और ये बात थोड़ी सी समझने में थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूँ, जिसे हम एनकोडिंग और डिकोडिंग कथाओं में कहते हैं। संस्कृत की कथाओं में किस तरह से डिकोडिंग और एनकोडिंग की जाती है। लेकिन उससे पहले पंचतंत्र पांच तंत्रों का एक ग्रंथ है। अब ये तंत्र शब्द भी देखिए कितना मजेदार है कि संस्कृत का कोई भी शब्द है अपने कितने सारे अर्थों को अपने में समेट के रखता है। ये तंत्र जिसके बारे में एक सामान्य आपकी परसेप्शन होती है कि ये तो बड़ा निंदित होता है और ये तंत्र मंत्र करते रहते हैं, अघोरी होते हैं और इस तरह की जो पुरुषचर्या जिसे कहा जाता है उस तरह के व्यवहार करते हैं, लेकिन ये तंत्र शब्द कब से चला आ रहा, आज हमारे लोकतंत्र के साथ जुड़ा हुआ है, आज हमारे अन्य तंत्रों के साथ जुड़ा हुआ है, राजतंत्र, प्रजातंत्र, कितने सारे शब्द आप उठा करके देखेंगे तो आपको तंत्र शब्द वहां पर इसके साथ उपलब्ध होगा। और इस तंत्र शब्द को भी अगर थोड़ा सा अगर आप देख लें तो तंत्र शब्द का मतलब होता है एक व्यवस्थित विस्तार। लेकिन यह है कि क्योंकि हम अपनी भाषा के शब्दों को नहीं जानते, नहीं समझते, इसलिए हमें तंत्र लगता है कि ऑकल्ट प्रैक्टिसेस को हम तंत्र कह देते हैं। लेकिन तननात तत्त्वम त्रायते, ये जो है कि विस्तार को एक व्यवस्था जो दे देता है उसको तंत्र कहा जाता है। तो यहां पर जो पंचतंत्र आप एक पुस्तक के रूप में देखते हैं वहां पर भी क्या है कि मानवीय व्यवहार का जो विस्तार है उसको पांच भागों में उसने व्यवस्थित कर दिया है, ऑर्गेनाइज कर दिया है। और वो मानवीय व्यवहार में पांच मुख्य बातें क्या है, मित्र भेद, कि आपने अगर कोई दूसरे आपके शत्रु इस तरह के हैं जो आपस में मित्र हैं उनमें कैसे आप भेद पैदा कर सकते हैं, फूट पैदा कर सकते हैं, मित्र संप्राप्ति, मित्रों को प्राप्त कैसे करना है, काको लुकियां, कि आधी दुनिया जो है कौए की तरह है और आधी दुनिया उल्लू की तरह है और कैसे उनके व्यवहार होते हैं, जिसपे आज जनरल साहब चर्चा करेंगे। लब्ध प्रणाश है कि आप प्राप्त तो कर लेते हैं और लेकिन प्राप्त हुए को भी आप बचा नहीं सकते और वो नष्ट कर देते हैं। और एक जो अंतिम
बात बड़ी मुख्य बात है तंत्र की, इस कथाओं की, अपरीक्षित कारकम। अपरीक्षित कारक का मतलब क्या है कि आप उसका एग्जामिनेशन ही नहीं करते जो कुछ आप करने जा रहे हैं, और जब आप बिना एग्जामिनेशन के चीजों को करते हैं तो उसके परिणाम बड़े भयंकर होते हैं। तो इसलिए ये जो पंचतंत्र है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया, बड़े ही खूबसूरत सा एक कथाओं का संग्रह है, और केवल कथाओं का संग्रह सामान्य नहीं है, एक कथा के बीच में दूसरी कथा, मुख्य कथा के बीच में एक अवांतर कथा, फिर उस अवांतर कथा के अंतर्गत दो तीन और अवांतर कथाएं आ जाती हैं, गौण कथाएं आ जाती हैं, और फिर मुख्य कथा की ओर वो चल करके आते हैं, और पात्र इस तरह का व्यवहार करते हैं कि हमें कहीं वो लगता ही नहीं कि किस रूप में वो हमारे सामने वो पशु हैं या वो वाकई ज्ञान के वो भंडार हैं जो वो ज्ञान को प्रदर्शित अपने सामने हमारे सामने वो करते हैं। जल्दी से मैं दो तीन बातें आप लोगों के साथ और शेयर करके फिर आज के मुख्य वक्ता से आपका परिचय करा के उन्हें आमंत्रित करूंगा। दो तीन संस्कृत की बातें मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, क्योंकि ये पंचतंत्र से लिया हुआ है। कि जब हम शास्त्र की बात करते हैं तो पंचतंत्र कहानियां नहीं, शास्त्र हैं, तो उसकी दो बातें होती हैं, दो पक्ष होते हैं जो पंचतंत्र हमें सिखाता है। एक और आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे पांडित्य शब्द लिखा हुआ है, दूसरी तरफ कॉमन सेंस, जिसे हम सामान्य व्यवहार में लोक व्यवहार ज्ञान या लोकाचार जिसे हम कहते हैं। एक सेकंड आशुतोष जी, आई रिक्वेस्ट दैट द सम अदर पीपल दे आर शेयरिंग द स्क्रीन, आप दूसरे लोग स्क्रीन मत शेयर मत कीजिए प्लीज, तो आप ये स्क्रीन जो शेयर नहीं हो पा रही जो है पिन अप कर लीजिए, अदरवाइज ये फिर बीच में जो स्क्रीन शेयर कर देते हैं उससे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। ऑल आर रिक्वेस्टेड नॉट टू शेयर द स्क्रीन प्लीज एंड टू प्लीज इसको माइक इज ऑन जी, या नो इट्स इट विल कम जी, नो इट हैज कम, थैंक यू। चलिए, तो शास्त्र के दो पक्ष होते हैं, एक आपको वो इंटेलेक्चुअलिज्म की ओर लेके जाता है, और दूसरी तरफ आपको कॉमन सेंस और व्यवहार लोकाचार जिसे हम कहते हैं कि आपको एक कॉमन सेंस आपको होनी चाहिए, दोनों का जो मिक्स है, दोनों के जो सिंथेसिस जहां पर होता है वो शास्त्र बनता है। अब इसके साथ इसीलिए मैंने ये कुछ एक श्लोक जो हैं वो साथ लिखे हैं, हो सकता है आप लोगों को संस्कृत से उस तरह का परिचय ना भी हो, लेकिन फिर भी कभी कभी संस्कृत के शब्दों को सुन लेना जो है वो बड़ा सुखकारी होता है, और आप देखें कि संस्कृत में कितनी स्पष्टता से विचार को प्रतिपादित करते हैं। बड़े स्पष्ट रूप में विष्णु शर्मा एक जगह कहते हैं कि अपि शास्त्रेषु कुशलः लोकाचार विवर्जितः। भाई चाहे आपने बहुत सारी डिग्रीज हासिल कर ली हो, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ लिया, बहुत किताबें पढ़ ली हो, लेकिन लोकाचार वर्जिता, लेकिन अगर आपको लोक व्यवहार करना नहीं आता तो सर्वे ते हास्यम तो यान्ति यथा ते, आगे मैंने वो छोड़ दिया, वो सभी व्यक्ति जो इस तरह के इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो लोक में हास्यता को प्राप्त होते हैं, हंसी को प्राप्त होते हैं, तो उनका सम्मान नहीं होता। और साथ ही साथ वो दूसरी बात भी बड़ी महत्वपूर्ण शेयर करते हैं, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, ऐसा व्यक्ति जिसकी स्वयं प्रज्ञा नहीं है, स्वयं अपनी इंटेलिजेंस नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम, उसका शास्त्र क्या कर लेगा, उसके लिए पढ़ा लिखा होना या ना पढ़ा लिखा होना कोई अर्थ नहीं रखता। ठीक वैसे ही लोचना भ्याम विहीन से दर्पण किम करिष्यति, कि आंखों से जो जिसके पास आंखें नहीं है उसके लिए दर्पण क्या करेगा। तो कुल मिलाकर के इन दो बातों के बीच में कि पांडित्य एक और इंटेलेक्चुअलिज्म आपकी रिक्वायरमेंट है, दूसरी तरफ कॉमन सेंस, दोनों के बीच की जो बात दोनों पक्षों को जो बांधता है वो शास्त्र है। अब इसकी तीसरी जो बात है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करके फिर एक आध बात और कहूंगा आपसे, कि ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं बड़ी सरल सी कहानी है, और आपने कई बार देखी होगी, सुनी होगी, शेर और खरगोश की कथा, कि शेर जंगल में रहता था और खरगोश ने आकर के उसे कुएं में गिरा दिया जब उसके अत्याचार बढ़ गए, और उसके ये कहानी आप लोगों ने सुनी है। लेकिन अब जो एनकोडिंग और डिकोडिंग की मैं बात कर रहा था वो ये थी कि कभी आपने ये सोचा कि उसने विष्णु शर्मा ने जब इतने बड़ा ग्रंथ लिखा तो उसमें केवल ये शेर को ही क्यों चुना और खरगोश को ही क्यों चुना,
उसने क्या एनकोड इनमें किया और इसको हमने डिकोड कैसे करना है आज के युग में। तो मुझे लगता है कि इस एनकोडिंग और डिकोडिंग में दो बातें हैं, एक और जो खरगोश है वो तो आपके पूरे सोशलिस्ट पैटर्न को बताता है और ये दूसरी तरफ कैपिटलिज्म को बताता है, क्योंकि शेर जो है अगर आप उसका पूरी की पूरी कहानी पढ़ें तो आपको दिखाई देगा कि अपने लिए पूरी की पूरी सुख सुविधाएं लेकर के एक वायलेंस कमिट करके एक फियर पैदा करके आम पब्लिक में, और वो अपने लिए सारे के सारे प्रॉफिट्स जो हैं वो अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ जो आप खरगोश देख रहे हैं वो सोशलिस्ट है, क्योंकि उसकी बड़ी मिनिमम सी रिक्वायरमेंट है, वो सुख शांति से रहना चाहता है, उसकी ना तो कोई लंबी चौड़ी डिमांड्स हैं, और एक वो सोसाइटी इस तरह की है जहां पर वायलेंस नहीं है। अब दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट को वो किस तरह से रिजॉल्व करते हैं, ये वो बातें हमें उन कहानियों में देखने को मिलती हैं। ये एक पक्ष मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, और इसी तरह से और बहुत सारी जितनी कहानियां हैं वो आप देख सकते हैं कि कैसे हम इनको कोड और डिकोड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक थोड़ी सी ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है, आपको एक उसके लिए एक एफर्ट करनी पड़ती है। और इस तरह से ये कहानियों को अगर हम पढ़ें तो आप देखेंगे कि आज के मैनेजमेंट के लिए, ह्यूमन बिहेवियर के लिए, साइकोलॉजी के लिए बहुत कुछ देखने सोचने को मिल सकता है। अब एक चीज और मैं करके आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करना चाहूंगा, साझी करना चाहूंगा कि हम ये क्यों करते हैं, क्या जरूरत है कि हम शास्त्र पढ़ें, क्यों इस तरह की पुरानी बातों को टटोलें, आज की दुनिया आगे चलती है। तो उसमें दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, शास्त्र ये स्क्रीन के दोनों ओर देखें, वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे। एक और तो है विचार की अनिवार्यता, कि विचार करना बड़ा अनिवार्य है, उसके विचार से आप बच नहीं सकते, थॉट आपकी आवश्यकता है, लेकिन सारे के सारे थॉट्स अपर्याप्त हैं, इनसफिशिएंट हैं। अब ये जो कंपल्शन है, थॉट की कंपल्शन और उसकी जो इनकम्पिटेंसी है, जो उसमें अपर्याप्तता रहती है, दोनों का तालमेल कैसे बैठे, उसके लिए हमें शास्त्र की शरण में जाना पड़ता है। उसकी वजह से शास्त्र को हमें देखना पड़ता है कि कैसे वहां पर जो कुछ वो कहना चाहते थे वो कैसे कह पाए, और जो कुछ कहा गया वो सारे का सारा मीनिंगफुल रहा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मैं एक ही बात आप लोगों के साथ यहाँ साझा करके आगे चलूंगा कि एकम शास्त्र मधीयानो, कि एक शास्त्र पढ़कर, कि एक सब्जेक्ट पढ़ लिया तो हमने सोचा कि हमने दुनिया भर का जो है निर्णय कर लिया और हमें दुनिया भर का ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं होता। इसलिए तस्मात बहुश्रुतः शास्त्रम विजानीयात् निर्णायकः, इसलिए बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त करें, सुने, ताकि आप उस विषय में निर्णय कर सकें। अब एक इसी को मैं बात को जल्दी से दोहरा दूं, जो आप लोग जिस भाषा से परिचित हैं तो जरा आसानी हो जाएगी इस शास्त्र के बारे में, कि भाई शास्त्र करता क्या है, कि ये इंडियन माइंड की ऑब्सेशन क्यों रही शास्त्र के साथ। आपको वेस्ट में इस तरह से शास्त्र नहीं मिलेगा जैसे शास्त्र शब्द के अर्थ यहाँ पर है, वहां भी बहुत हद है, आप बुक का अर्थ कर लेंगे, सिस्टम का कर लेंगे, इस तरह के अर्थ कर लेंगे, लेकिन शास्त्र शब्द थोड़ा भिन्न अर्थ में है। तो शास्त्र की दो प्रवृत्तियां होती हैं, वो भी आप जल्दी से देख लीजिए। एक और है कि वो आपको बंधन में किस तरह से रहना है ये सिखाता है, और दूसरी तरफ आप उस फ्रीडम जो आपको ज्ञान से फ्रीडम मिलती है, उस फ्रीडम का सदुपयोग कैसे करना है ये भी सिखाता है। तो शास्त्र इसलिए भी आवश्यक है, शास्त्र एवोल्यूशन के लिए भी आवश्यक है, ताकि आप कॉन्शियस चॉइसेस कर सकें, ना कि कंपल्सिव चॉइसेस में पड़े रहें। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि हम सामान्य रूप से हमारी जिस तरह की कंडीशनिंग है उसमें हम कंपल्सिव चॉइसेस में रहते हैं इस एडवर्टाइजमेंट की एज में, तो किस तरह से कॉन्शियस चॉइस करें शास्त्र हमें वो भी सिखाता है। फिर उसके बाद नॉलेज के लेवल पे जो शास्त्र है वो आपको एडवांसमेंट, अग्रसरता, कि निरंतर अग्रसर होना है, निरंतर आपने नॉलेज गेन करनी है, संस्कार करना है अपने ज्ञान का, और साथ साथ उस ज्ञान को आपने व्यापक भी करना है। और अंतिम जो बात है कि वो प्रबंधन जो आपका है, कि शास्त्र के द्वारा आपको चीजें मैनेज करनी है, ये आपकी एक आवश्यकता है कि आपको सिस्टम भी पता हो, सिस्टम को आपने, सिस्टम आपकी कंपल्शन है, आपकी नेसेसिटी है, कैसे आपने उसको जो है मैनेज करना है,
क्योंकि जहां कहीं भी आपने मैनेज नहीं किया अपनी लाइफ को, चाहे आपने परिवार को, चाहे अपनी अन्य चीजों को, वहीं पर आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खो दिए। तो पंचतंत्र यही सारी बातें आपको सिखाता है, यही वो विष्णु शर्मा जो है उन तीन राजकुमारों को बताना चाहता है। और वो राजकुमार कौन से हैं? जिनके पास अनंत शक्ति है, अनंत सुविधाएं हैं, वो सारे राजकुमारों को जिस तरह से उनको ट्रेन करता है, ये पंचतंत्र हमें सिखाता है, जिसका एक पक्ष आज हम देखने जा रहे हैं। और इस सारी बातचीत के लिए मैं आज आमंत्रित करने जा रहा हूं आज के मुख्य वक्ता मेजर जनरल अमिल कुमार शौर्य जी। मैं ज्यादा नहीं, आप स्क्रीन के ऊपर उनके सारी उपलब्धियों को देख सकते हैं, लेकिन उनकी जो विशेष बात है वो ये है। आशुतोष जी, somebody continues to share the screen, Aryan, and I am sending the message, please don't share the screen, I don't know. Again, this is... I don't know why they are sharing their screen. Aryan, please don't please. Share the screen. Now you have come. Okay, चलिए। तो मेजर जनरल अमिल कुमार शौर्य की दो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि लाइफ एक डिसिप्लिन लाइफ रहते हुए भी उसमें एक नए सोच के साथ जुड़े रहना, नई बातों की तलाश करते रहना, नए आयामों को लगातार ढूंढते रहना, ये उनकी एक विशेषता रही है। बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ उन्होंने अपने जीवन में कभी भी ज्ञान के क्षेत्र में कभी संकोच नहीं किया, जिसका हमें प्रमाण जो है उनकी चार किताबों में देखने को मिलता है। और इंटरेस्टिंगली कि बिल्कुल आधुनिक विचार के साथ जुड़े होने पर भी उन्होंने वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण नहीं, वाल्मीकि रामायण के साथ, महाभारत के साथ और पंचतंत्र आदि इस तरह के जो मूल ग्रंथ हैं जिनको बहुत कम लोग देखते और पढ़ते हैं, उनके ऊपर उन्होंने अपना ज्ञान वर्धन किया है और अपने ज्ञान को लोगों के साथ साझा भी किया है। तो ये एक अपने आप में बड़ा खूबसूरत सा एक जिसे समन्वय व्यक्तित्व में देखने को मिलता है मेजर जनरल अमिल कुमार शौर्य जी के। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि पंचतंत्र के इस पक्ष को, एक विशेष पक्ष को, हालांकि इसके जो पांच तंत्र हैं उनमें से हर कहानी के ऊपर हमें एक ट्रेनिंग कोर्स लगाना चाहिए, उसको देखा जाना चाहिए, उसको एनकोडिंग और डिकोडिंग के उसके प्रोसेस को भी देखना चाहिए। सारे मसले को हम जब कभी आगे मौके लगेंगे तो उसके ऊपर हम करेंगे। और आप लोगों से भी आग्रह रहेगा कि इन तरह की चीजों को अगर हम एक्सप्लोर करने लगे तो निश्चित रूप से हम भारत के बारे में जो कल्पना करते हैं कि ये विश्व गुरु बनेगा, वो विश्व गुरु कोई ऐसा नहीं था कि भाई कोई जंगल में जाके बैठ गया और वहां पर अपना बैठ करके बस वो दुनिया से कोई लेना देना नहीं। जंगल में रहते हुए भी वो इस दुनिया के बारे में जितना अधिक जानते थे और स्पष्टता से और स्वस्थता से जानते थे, उसका मुकाबला हम आज भी नहीं कर सकते अपनी बहुत सारी डेवलपमेंट के अहंकार के साथ भी। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं मेजर जनरल अमिल कुमार शौर्य, पंचतंत्र का एक भाग है, तंत्र है, उसके बारे में हमारे साथ बात करें कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आधुनिक भाषा का वो शब्द है, तो किस तरह से उसके कौन से आयाम हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। मेजर जनरल अमिल कुमार शौर्य जी, सर मैं अपनी स्क्रीन जरा हटा लूं। हाँ जी, देन यू शेयर योर स्क्रीन। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई हैव स्टार्टेड शेयरिंग माय स्क्रीन, कैन यू सी द फर्स्ट स्लाइड हियर? जी, इज माय ऑडियो क्लियर? यस, इट इज विजिबल। आवाज आ रही है? यस, स्क्रीन इज क्लियर? बिल्कुल आ रही है। ओके, क्लियर क्लियर, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आशुतोष जी ने एक्सप्लेन किया है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम पंचतंत्र इज द टॉपिक टुडे, एंड आई विल बी मेकिंग ए प्रेजेंटेशन फॉर अबाउट हाफ एन आवर प्लस। एवरीबॉडी नोज अबाउट द स्टोरी, बट जस्ट परहैप्स इफ सम पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट, कि जैसा कि इन्होंने बताया, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा और उस जमाने में एक राजा था जिसके तीन बेटे थे, एंड दोज थ्री सन्स दे जस्ट यूज्ड टू प्ले, एंजॉय द लाइफ, द लग्जरियस लाइफ एटसेट्रा। एट ए स्टेज के व्हेन द किंग वाज वेरी मच वरिड, उनको चिंता होगी कि उनके बाद जो है इनमें से कौन जो है उनका शासन राज्य संभालेगा, बिकॉज दे डोंट नो मच अबाउट द वेरियस इंट्रिकेसीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन।
सो ही कंसल्टेड हिज मिनिस्टर्स. मिनिस्टर सर के सर अभी ऐसा है कि द एज एंड स्टेज एट विच दे आर ऑलरेडी 20-25 years. अब आप इनको कहो कि इनको अर्थशास्त्र सिखाना है, पॉलिटिक्स सिखानी है, मैथमेटिक्स सिखाना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एटसेट्रा, दे कांट लर्न. बट वी नो दैट देयर इज अ पर्सन कॉल्ड विष्णु शर्मा. इफ यू टेक दीज बॉयज टू हिम, वो पक्का इनको कुछ ना कुछ ऐसी चीज सिखाएंगे जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. सो राजा उनके पास ले गया विष्णु शर्मा के पास. विष्णु शर्मा ने जो उनको कहा वो अगली स्लाइड में आपको मैं दिखाऊंगा कि राजन मैं इनको 6 महीने में अपने पास रखूंगा, लेकिन इन 6 महीने में मैं वो सारे सब्जेक्ट्स जो इनको सीखने चाहिए थे, जिसको सीखने के लिए नॉर्मली ए पर्सन टेक्स अबाउट 10-12 years, वो तो नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन मैं इनको जिंदगी जीने का एक तरीका सिखाऊंगा. दैट इज द जिस्ट ऑफ द होल पंचतंत्र. एज आशुतोष जी हैज ऑलरेडी मेंशन दैट पंचतंत्र इज व्हाट फ्रॉम द स्टोरीज व्हाट वी नो इज एन इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग. अब इसमें अगर आप देखें मैंने क्या लिखा हुआ है कि वर्बल साइंस हैज नो फाइनल एंड, लाइफ इज शॉर्ट, ऑब्स्टेकल्स आती रहती जाती रहती हैं. एज स्वैंस एक्सट्रैक्ट द मिल्क विद वाटर मिक्स्ड. ब्रिगेडियर मोहन भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आर्मी पोस्टल सर्विस के हैं. राजहंस आर्मी पोस्टल सर्विस का इंसिग्निया होता था, कोर का साइन होता था, और उसमें एक खूबी थी कि अगर पानी और दूध को मिक्स करके रख दिया जाए तो उसमें से वो दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा. सो पंचतंत्र टीचेस व्हाट दैट आलतू फालतू की चीजों को परे करो और जिंदगी को जीने का तरीका क्या होना चाहिए उसको सीखो. जैसा कि आशुतोष जी ने कहा व्यवहार. समटाइम्स वी टॉक आल्सो दैट दिस जेंटलमैन ही हैज डन पोस्ट ग्रेजुएशन, ही हैज डन PhD, ही हैज डन सो मच एटसेट्रा, बट ही डजंट नो हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव, हाउ टू स्पीक पोलाइटली. So this intelligent way of living is the gist of Panchatantra, and I feel that it is a complete book on management skills. But today I am going to talk about conflict management. Ab conflict management lessons from Panchatantra is the presentation. ये भी मैं आपको एक कहानी के तौर पर ही आपको लेकर चलूंगा, और उस कहानी में जो मेरे को जो चीज मिली, जो मैटर मटेरियल मिला, उसी के बेसिस पर मैंने इसकी जो है वो स्किल्स डेवलप करने की कोशिश की है. Now, basic चीज बिफोर आई कम टू द फर्स्ट स्लाइड, कंफ्लिक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इट इज अ नेचुरल थिंग. पांचों उंगलियां बराबर नहीं है. कंफ्लिक्ट इज इन अवर पर्सनल लाइफ एज वेल एज इन प्रोफेशनल लाइफ. हमारे फैमिली में भी कंफ्लिक्ट होता है, हस्बैंड वाइफ में भी कंफ्लिक्ट होता है, हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ऑफिस में, यू नेम एनीथिंग, वी लिव विद कंफ्लिक्ट. यू कैन नॉट अवॉइड इट, यू हैव ओनली टू मैनेज इट. But the thing is that how to manage conflict. There are so many theories about the conflict management as far as the business schools are concerned. But why I have taken Panchatantra, that all these business schools, they also are taking the clues from these granths. Ye jo mahan granth hamare hain, Ramayana, Mahabharata, Panchatantra aur bahut sare anek, unhi se clue lekar ye aage chale hain. Kabhi kabhi hum aapas mein baat karte hain, yaar buzurgon ne badi achhi baat kahi thi, badi theek baat kahi thi. भाई बुजुर्गों को किसने ये बात बताई, ठीक बात, सही बात? उनके बुजुर्गों ने उनको बताई होगी. उनके बुजुर्गों को किसने बताई होगी? इफ यू गो बैक, दीज आर द जिस्ट, दीज आर द शास्त्र जिनमें वो सारी जो है वो सारी जिस्ट छुपी हुई है. और उसी में से मैंने कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट से उस कहानी के बेसिस पर मैं आपको ये अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करने जा रहा हूं. हुआ क्या, उल्लुओं और कौओं में लड़ाई हो गई. लड़ाई भी ऐसी जबरदस्त लड़ाई. अब इन दैट जो कौए थे, क्रोस का काफी नुकसान होना शुरू हो गया, जान माल का बहुत नुकसान हुआ. अब जो लड़ाई होती तो होती थी दिन में, और उल्लू तो रात को भी देख सकते थे. सो दे यूज टू कम एंड अटैक इन द नाइट व्हेन द क्रोस वर स्लीपिंग. सो देर वॉज ए ग्रेट लॉस. देयर किंग वॉज वेरी मच वरिड. उसने कहा क्या किया जाए. सो ही कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ हिज सो कॉल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और द एडवाइजर्स, एंड ही इज आस्किंग इन पंचतंत्र, ही इज आस्किंग फ्रॉम हिज वाइज मैन, भाई व्हाट आई शुड डू, यू गिव मी द प्रॉपर एडवाइस. अब जो उसको जो एडवाइस मिल रही है, अब हाउ टू मैनेज दिस कंफ्लिक्ट विद द आउल्स, उसमें से जो सबसे पहला मिनिस्टर है, ही गिव्स हिम एडवाइस दैट किंग
if we want to resolve this conflict vis-a-vis the crows, then we should have treaty with the enemy. So how to manage conflict? The first proposal given by one first minister is that we should have treaty with the enemy. And he gives reasons and the arguments also. Now, when I explain these things, keep into mind your personal life, your professional life, keep into mind your corporate house in your before your eyes, keep in your mind the situation of India vis-a-vis his neighboring countries also, whether it's a small or the big or whatever may be. आप उस एंगल से इस सारी कहानी को जानने की कोशिश कीजिएगा दैट ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए वो स्ट्रेटजी जो बताई गई है वो कहां पर कैसे फिट हो सकती है. सो फर्स्ट स्ट्रेटजी ही सेज हैव ट्रीटी विद द एनिमी. नाउ किंग सेज दैट व्हाई आई शुड हैव ट्रीटी विद द एनिमी, डू यू हैव एनी जस्टिफिकेशन फॉर दैट? ही सेज यस आई हैव गॉट द जस्टिफिकेशन. व्हाट इज द जस्टिफिकेशन? द मिनिस्टर सेज किंग one should not make war with a powerful enemy and one should bow one's head before a person who is much stronger than oneself. aap se bahut shaktishali hain, unke paas raat ko dekhne ki bhi power hai aur wo is tarah se jo hai apne aap ko strong kar rakha hai. powerful enemy hai, aap se zyada strong aadmi hai aur isse bhi badi baat hai that you should gather the strength with the passage of time to take the enemy on. this is not the time to carry on the war. This is not the time that you keep on fighting with them. You should make treaty with them because the enemy is very, very much strong. And this will result in prosperity like a river water flow. If you have treaty with him, aapka loss nahi hoga, jaan maal ka nuksan nahi hoga, tension khatam ho jayegi aur aapka shanti se chalega. Apart from this, he gave so many other arguments also that why should we have a treaty with that enemy? He says, King, always keep in mind that one should foster peace with the powerful enemy, an enemy who is rich, wise and good one. ab dekhiye isko, aisa dushman jo rich bhi hai, acha bhi hai, matlab theek hai, dushmani hogi uske sath, kisi bhi wajah se ho sakti hai, dispute kisi bhi wajah se ho sakta hai, aur wo akalmand bhi hai. iska matlab kaha jata hai ki akalmand dushman uske sath dosti kar lo to aapka fayda hi hoga. इसलिए वी शुड हैव द ट्रीटी विद हिम. एंड ही सेज दैट द एनिमी हु इज अ सीजन्ड कंकरर, उसका तो काम ही लड़ना है, उसके घर में कोई डिस्कॉर्ड नहीं है, कोई एनमिटी नहीं, आपस में कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, सब एक यूनिटी में काम कर रहे हैं. इसलिए ऐसी सिचुएशन में ऐसे एनिमी के साथ हमें पीस ही करना चाहिए. आप इसको लगाइए अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में लगाइए, अपने गांव में लगाइए, अपने शहर में लगाइए, अपने आसपास के लोगों में लगाइए, द सोसाइटी इन विच यू आर लिविंग, वहां पर सोचिए इन सारी चीजों का. दैट एनिमी इज स्ट्रॉन्ग, वाइज, पावरफुल, उसके साथ संधि करनी चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट ही सेज, इट इज आल्सो एडवाइजेबल टू हैव पीस विद द विकेट पर्सन इफ इट अपीयर्स दैट वंस लाइफ इज इन डेंजर. अब देखिए, जो लोग गांव के रहने वाले हैं, वो गांव में लोग कहा करते थे, यार ये आदमी बदमाश है, इसका काम ही लोगों के साथ झगड़ा करना है, इसको आते जाते दुआ सलाम करो और अपना साइड से निकल जाओ, ऐसे लोगों से परे ही रहना चाहिए. हाँ जी क्या हाल है जी, सब ठीक ठाक है, और इनके साथ जो है दुश्मनी लेने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज वो इज ए विकेट पर्सन. सो विकेट पर्सन के साथ हमें हमेशा पीस ही बनाकर रखनी चाहिए. एंड द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी अपनी लाइफ को कैसे सेफ एंड सिक्योर करना है. So the first king is giving the arguments why his king should have a peace. Now king is not satisfied. He says, do you have any other argument also that why I should have a peace? He says, yes, apart from that, you must keep into mind, king, that one should make peace even the equals. Ab dekhiye, strong hai, aapse powerful hai, wise hai, विकेट है, और बराबरी का भी है, बिकॉज देयर इज अ डाउट कि आप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे. अगर आपको डाउट है तो तब भी आपको ऐसे के साथ दुश्मनी या वॉर या ऐसा झगड़ा नहीं करना चाहिए. यू शुड हैव ए पीस ट्रीटी विद हिम. बिकॉज व्हाई? बिकॉज देयर मे बी डाउट व्हाइल फाइटिंग विद द इक्वल्स, हेंस इट इज बेटर दैट अदर मेथड्स आर ट्राइड फर्स्ट. पहले दूसरे मेथड्स को अडॉप्ट करें संधि के, फिर उसके बाद देखें कि अगर नहीं कुछ हो रहा तभी हम वॉर की बात करेंगे. हेंस वी शुड हैव ट्रीटी विद हिम. एंड ही सेज
फाइट शुड बी ओनली अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, जब ये लगे कि अब तो जो है मेरी जिंदगी ही खतरे में जा रही है, कुछ चारा ही नहीं बचा है, तब हम उसके साथ लड़ाई करेंगे। पहले हमें सारे पीस वाले जो है मेथड अडॉप्ट करना चाहिए। यू थिंक अबाउट दैट द वेरियस सिचुएशंस, द बायलैटरल रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड द कपल ऑफ अदर कंट्रीज, देन इट विल कम टू योर माइंड दैट द एट व्हाट टाइम इंडिया शुड गो इनटू फाइट और द वॉर एट व्हाट लेवल। सो दैट मैं यहां कोई सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपके सामने एक पिक्चर जो है वो सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। सो द मिनिस्टर सेज दैट वी शुड हैव ट्रीटी एंड ही सेज किंग यू मस्ट रिमेंबर दैट लैंड फ्रेंड्स एंड गोल्ड, आपके पास सत्ता और दोस्त और पावर मनी की वो तभी आप आती है जब आप लड़ाई में नहीं लगे हो। अगर आप लड़ाई लगे तो आपके पास जो रिजर्व है वो भी बर्बाद हो जाएगा। जब कहीं कुछ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर कुछ होता है तो टीवी के ऊपर एक वॉर शुरू हो जाती है और पीपल स्टार्ट सेइंग कि वी शुड इमीडिएटली अटैक, वी शुड कैप्चर लाहौर, वी शुड दिस थिंग, दे फॉरगेट सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो। बट एनीहाउ व्हाट द मिनिस्टर इज सेइंग दैट वी शुड हैव ट्रीटी। नाउ दिस एडवाइस द फर्स्ट मिनिस्टर इज गिविंग टू द किंग दैट वी शुड हैव ट्रीटी एंड फाइनली ही सेज, अब बताइए क्या बात कही, ही सेज बेटर टू श्रिंक लाइक ए टर्टल इन द शेल, टेक द ब्लोस बट रेज द हेड फ्रॉम टाइम टू टाइम लाइक द ब्लैक स्नेक, जब समय आएगा तब सांप की तरह फन उठाकर हम उसको डसेंगे, अभी कछुए की तरह अपने होल के अंदर घुस जाते हैं। हो गई ये बात, राजा को सलाह मिल गई कि वे संधि करनी चाहिए, लेकिन राजा देख रहा है कि जो दूसरा एक मिनिस्टर है वो बार बार अपनी गर्दन हिला रहा है, वो बोल रहा है साहब इसकी बात आप सुन रहे हो, चलो मेरी भी बात सुनना, लेकिन इस फर्स्ट जो प्रपोजल आया मिनिस्टर का उसके बेसिस पर मैंने एक छोटी सी हाउ टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट बाय हैविंग ट्रीटी का एक छोटी सी समरी बनाई है। समरी क्या है, दिस स्ट्रेटजी इज टू बी व्यूड फ्रॉम द एंगल ऑफ ए कंट्री, बिग कंपनी और ए कॉर्पोरेट हाउस इन कंपिटिशन, विच मींस रिसोर्स मोबिलाइजेशन, लाइंग लो फॉर द टाइम बीइंग सो दैट एट एप्रोप्रिएट टाइम द ओपोनेंट इज टेकन केयर ऑफ, बिकॉज If since the opponent is rich and resourceful, he can afford to drag on that conflict, उससे फिर आपका डैमेज ये होगा। ये फर्स्ट स्ट्रेटजी जो कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट की है जिसमें वो ट्रीटी की बात कर रहा है, दिस समरी आई हैव मेड। बट एज द अदर मिनिस्टर इज शेकिंग हिज हेड, सो किंग आस्क्स द अदर मिनिस्टर, भाई व्हाट इज योर ओपिनियन, ही सेज कि पिछले 5 मिनट से मैं इसकी बात सुन रहा हूं, संधि करनी चाहिए, संधि करनी चाहिए, एंड इज गिविंग यू ए रॉन्ग एडवाइस, आई डोंट एग्री विद हिज एडवाइस एट ऑल, ही सेज व्हाट वी शुड डू, ही सेड वी शुड हैव वॉर, नो एग्रीमेंट, नो ट्रीटी, वी शुड हैव वॉर। नाउ द टोटली डिफरेंट स्ट्रेटजी हैज बीन पोस्ट बिफोर द किंग बाय द सेकंड मिनिस्टर हाउ टू मैनेज द कंफ्लिक्ट, एंड ही सेज के Why we should have war? Continue with the war. Second minister also has some arguments in his support. He says that, King, keep into mind that dushman jo unprincipled hai, jhootha hai, makar hai, false hai, wo kabhi bhi apne agreement par nahi tikega. Ab dekhe kya baat aagi? Ek taraf to sandhi ki baat ho rahi, दूसरी तरफ वो कह रहा है कि कैसे संधि कर ले इसके साथ, इसका भरोसा कुछ नहीं है, ये कल 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 को क्या कर ले, इंडिया पाकिस्तान के साथ कितनी बार टॉक्स हुई है, शिमला एग्रीमेंट हुआ, कौन सी वो बस यात्रा हुई है, सद्भावना हुई है, ये हुई है, वो हुई है, लेकिन वो जो भी अटैक होने हैं वो कभी नहीं रुकेंगे, नहीं रुके हैं। सो ही सेज दैट ही इज अनप्रिंसिपल्ड एंड फॉल्स, कुछ मतलब ही नहीं है इसके साथ ये संधि करने का, एंड ही सेज दैट इट इज फ्यूटाइल टू सीक एनी अकोमोडेशन फ्रॉम सच ए पर्सन। No, King is surprised. ये तो बड़ी अलग सी अजीब सी बात कह दी, ये दुश्मन इसकी बात ठीक है, वो तो है तो मकार भी, उनका वो भरोसा तो है नहीं, ही आस्क्ड हिम, बस यही बात कहनी थी, ही सेज के नो किंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट नो एग्रीमेंट बाइंड्स हिम एंड क्विकली ही शोज हिज विकेडनेस, वो बोलेगा कौन सा समझौता, मैं नहीं मानता किसी भी समझौते को, और इसके भी अलावा व्हाट द एनिमी विल डू इज For that is fit to be tackled by way of war. If we talk about peace with him, जिसको पंजाबी में कहते, वो तो सिर पर चढ़ जाएगा, वो सोचेगा कि हम गिड़गड़ा रहे हैं, हम उसके हाथ जोड़कर उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, और ऐसे में जो है वो नाराज तो होगा ही होगा,
वो अपने हिसाब से जो है चलाने की कोशिश करेगा। इसलिए हमें उसके पास कोई एग्रीमेंट, कोई पीस ट्रीटी की बात नहीं करनी चाहिए। एंड कि अब यहां पर क्या बात कही है, इसको जब मैं देख रहा था तो मुझे क्या याद आया कि इन लोगों को क्या, किन चीजों के साथ कैसे कोरिलेट करते थे। व्हाट ही सेज, द फोर्स इंडेस्ट्रक्टिबल बाई माइट आर सीन थ्रू प्रिसेप्टिव जेस्चर। कैसे? जैसे महाभारत में भीम ने कीचक का वध किया था औरतों के कपड़े पहनकर, जब कीचक जो है द्रौपदी को अपने चैंबर में बुला रहा था, उसी तरह से हमें भी इसी तरह से इसको डिसेप्शन की तरह चलना चाहिए। संधि वंदी की बात करनी चाहिए, कर लो जो करनी है, लेकिन संधि करनी नहीं है, हमने इसके साथ वॉर और फाइट का माहौल बनाकर रखना है। अब क्या करे राजा, यह मिनिस्टर तो जो है बड़ा एग्रेसिव है, हो सकता है उसका सेनापति ही हो। अब वो क्या कहता है कि किंग एक बात और सुन लेना, स्मॉलर ऑफन स्लेज द ग्रेट बाय शोइंग एनर्जी एंड विगर। वो हो सकता है बड़े हो, मजबूत हो, वो हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। शेर देखो साइज में कितना छोटा होता है, हाथी कितना बड़ा होता है, लेकिन शेर हाथी को मार देता है। इसलिए कोई घबराने या डरने की बात नहीं है। एंड ही सेज, सॉरी, और इसी के इस जो उसका आर्गुमेंट है उसके बेसिस पर मैंने एक छोटी सी समरी क्या बनाई है। स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट बीइंग इन एन एडवांटेजियस पोजीशन विल कंटिन्यू टू डोमिनेट एंड डिक्टेट द टर्म्स एंड कंडीशन। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना श्रीलंका, चाइना बांग्लादेश, चाइना नेपाल, चाइना भूटान, यू नेम चाइना विज़ दीज कंट्रीज। वो सोच रहे होंगे कि हमने जो है, आइए महाराज चाइना जी हमारी मदद कीजिए। नाउ ही इज डिक्टेटिंग हिज ओन टर्म्स एंड कंडीशंस एंड मेक एंड एक्चुअली कैप्चरिंग दैम इकोनॉमिकली एंड एक्सपेंडिंग इटसेल्फ मिलिटरली। सो सेल्फ इंटरेस्ट विल प्रीडोमिनेंटली फोर्स द स्ट्रॉन्ग वन टू इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर वन। फिर इन्हीं कंट्रीज में लगा कर दे दीजिए। चाइना का सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? अपने आप को एक्सपैंड करना, अपनी गुड्स को वहां पर बेचना, नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करना। सो हिज सेल्फ इंटरेस्ट इज फोर्सिंग द स्ट्रॉन्गर वन टू इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर वन। ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट द एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ एंड ऑल दोस थिंग्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दोस कंट्रीज। ही इज कंसर्न्ड अबाउट हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट। अब क्या हो, किंग इज कंफ्यूज्ड। सॉरी, इसमें एक चीज और भी है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पीस विल बी एज पर द एडवांटेज ऑफ द स्ट्रॉन्ग वन। आशुतोष जी, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है ना? जी जी, क्लियर है। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो अब किंग इज थॉरली कंफ्यूज्ड। ही से ये बोलते एग्रीमेंट कर लो, ये कहते वॉर कर लो, यार बात इसकी भी ठीक है, बात इस भी ठीक है, अब मैं करूं तो क्या करूं, क्या करे किंग। ही आस्क्स द थर्ड मिनिस्टर, तीसरे को पूछता है कि जनाब आप बहुत बुजुर्ग हो, सियाने हो, यू हैव सीन द होल वर्ल्ड, यू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, व्हाट आई शुड डू। एंड द थर्ड पर्सन सेज, मूव अवे। ही सेज, किंग, वी शुड टेम्परेरली मूव अवे फ्रॉम हियर टू सम अदर प्लेस, वी शुड नाइदर हैव एन ट्रीटी नॉर वी शुड हैव वॉर। नाउ दिस इज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन व्हिच हैज कम और द ऑप्शन हैज बीन प्लेस्ड बिफोर द किंग। एंड ही सेज के Why we should move away? Why we should move away? He says, when vicious foemen proud of power from hindering scruples free, adopt a change of base, not peace, not war for victory. ऐसा हालात नहीं है, वो घमंड में चूर हो चुके हैं। अब मैं यहां पर आपको एक हिस्टोरिकल बात बताऊंगा। आपको ख्याल होगा गुरु गोविंद सिंह जी को वहां की प्रजा ने आकर जो है आनंदपुर साहब के किले में क्या रिक्वेस्ट की थी कि गुरु गोविंद साहब जी इस वक्त जो है आप लोग अपना कृपया बेस छोड़ दीजिए, क्योंकि आग अगर आप जिंदा रहेंगे तो सारी कौम जिंदा रहेगी, सारा सिख इतिहास जिंदा रहेगा। आनंदपुर के किले के वो चारों तरफ से द मुगल्स हैव सराउंडेड एंड दे आर प्राउड ऑफ पावर, दे आर वेरी विकेड पीपल, वी डोंट वॉन्ट दैट एनी हार्म शुड बी डन टू यू, यू प्लीज प्लीज मूव फ्रॉम हेयर। Perhaps Guru Gobind Singh knew about this strategy, और वहां से वो चमकौर के किले की गड़ी की तरफ को शिफ्ट किए थे। उनको लगा था कि अगर ये मेरे साथी मेरे साथ हैं, ये सही ओपिनियन दे रहे हैं, और कोई बात नहीं, किला तो मैं और भी बना लूंगा, लेकिन अपने सिक्की को दुनिया में मजबूत करने के लिए मेरे और मेरे साथियों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। So he said, not peace, not war for victory, you should move away from here. And
and what he said, change of base is having twin objectives. One, to retreat so as to save the life. And the second is, after some time, with the proper planning, to invade and win. He says, we are not living permanently. We are just going to move away. We will go there, settle there, mobilize our resources. We do the proper planning. Sari recce karenge, aur samay aane par jo hum isko aapkar attack karenge. But this is not the right time, neither to have agreement or the treaty, nor to have the war with them. And what he says further, a king should put his realm in charge of heroes who are strong and fit. Tumhare agar bande hi mar gaye, to tum kiske saath ladoge? Jo apne strong and fit, jo wafadar hai tumhare, unko bacha kar rakho. Aur should pounce upon the hostile land when his spies have peopled it. Apne jasooson ki madad se unki weaknesses ko pata karo aur jab samay aaye to unko capture karo. See that the topic kya hai? How to manage conflict. Conflict ko kaise manage karna hai? Main thodi thodi wo karta rahunga. Samjhota karna, ladai karni aur problem se thoda sa situation se pare hat jana. Ab tino ministers tino different advice de rahe hain, and as they are giving their advice, he says, a recessive movement is made with due regard to cause and effect. Jo piche hatna hota hai, cause and effect ko samne rakhkar aadmi apne steps leta hai, ki main abhi is waqt do kadam piche hat jaun. It's not because of that he is leaving permanently, he is leaving temporarily to make the detailed planning and come back strongly. And he says, the case in hand requires your king the base change called retreat, not peace, not war. Because the foe is wild and very hard to beat. Is tisri jo suggestions aayi hai, iski maine choti si summary kya banayi hai. To be away for the timing means diverting the attention. Ab shayad ye Shivaji ko bhi malum tha, jaise Guru Gobind Singh ji ki maine example di, Shivaji ko bhi malum tha ki bhai aisa karo, attention divert karo और टाइम लेकर गुरिल्ला तरीके से इनको मुगल्स के ऊपर आकर अटैक करो। जनरल साहब आपको ये ऑफ करना पड़ेगा। मैडम अनीता का ये माइक ऑन है और बहुत शोर आ रहा है, आपकी तरफ से इसको ऑफ करना पड़ेगा। वो डिस्टरबेंस बहुत आ रही है। एक सेकंड, फिर मेरे को ये दोबारा से प्रेजेंटेशन दिखानी, क्लोज करके आना पड़ेगा। कौन मैडम, अगर आप उनको रिक्वेस्ट कर दें, आप उनको म्यूट कर दीजिए, आई विल हैव टू म्यूट कर दीजिए आपके पास राइज का, आई डोंट नो हाउ टू डू इट बिकॉज़ अभी मैं बिल्कुल आप मैडम नीता प्लीज आप अपना माइक मैडम आई कांट डू एट द मोमेंट अगर सुन रहे हैं प्रेजेंटेशन जिन्होंने किया हुआ है वो खुद ही ऑफ कर देते उनको तो उनको पता होना चाहिए कि भी ऐसे डिस्टरबेंस होती सबको मैडम प्लीज आप माइक ऑफ कर दीजिए चलिए सो ओके अवे फॉर द टाइमिंग मींस डाइवर्टिंग द अटेंशन एज वेल रीइंफोर्सिंग वनसेल्फ एंड मूव अवे इज नॉट टू लीव द बैटलफील्ड परमानेंटली इट मींस नॉट टू वेस्ट द एनर्जी और रिसोर्सेज बिकॉज ओपोनेंट कैन नॉट बी डिफीटेड इन अ डायरेक्ट फाइट अब क्या हो गया तीन ऑप्शन आ गए संधि करना है लड़ाई करना है अब राजा बेस छोड़ अपना मूव अवे होना है राजा तो सिर पकड़ कर बैठ गया अब बोले यार ये मैं करूं तो क्या करूं अब वो चौथे को पूछ रहा है यार मेरे को इन्होंने फंसा दिया ये मिनिस्टर्स ने अब मैं क्या करूं और वो चौथा मिनिस्टर क्या बोल रहा है वो कहता है कि मैं बड़ी देर से इनकी बातें सुन रहा हूं ये आप सब महाराज आपको दे आर गिविंग यू ए वेरी वेरी रॉन्ग एडवाइस You should not follow their advice. And he is asking कि हाथ जोड़ करके तो जनाब आप बताएं मैं क्या करूं? And the fourth one says, इधर ही रुको, कहीं नहीं जाना, strengthen yourself. देखिए अब एक conflict management की एक नई एक strategy उनके सामने आ गई, strengthen yourself. Why? He is giving arguments. Why? He says, क्या उस जमाने में लिखते थे क्या सोच कर लिखते थे क्रोकोडाइल एट होम कैन बीट एन एलिफेंट बढ़िया क्रोकोडाइल एट होम कैन बीट एन एलिफेंट बट इफ ही गोज अब्रॉड ए डॉग कैन मेक इम पैंट अगर आपने अपना बेस ही छोड़ दिया
अपनी जगह छोड़ दी, अपने सारे अड्डे ठिकाने छोड़ दिए, तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. व्हाट आई सजेस्ट दैट यू शुड रिमेन हियर, स्ट्रेंथन योरसेल्फ एंड रिमेंबर groves of trees where each receives and gives defense unitedly defy the winds of fiery violence. जितनी भी तेज आंधी आएगी वो आपस में जो है वो जकड़ लेते हैं छोटे छोटे पेड़ और वो नहीं उखड़ते, लेकिन एक इंसान अगर वो अकेला रह जाए वो दुश्मन उसको अपने काबू में कर लेते हैं. इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए यहां पर रहकर. एंड देन ही सेज दैट इफ पैनिक स्ट्रक यू फ्ली व्हेन फोर्स आर एट द डोर, इस वक्त अगर आप छोड़कर चले गए, लीव द लैंड टू देम यू नेवर विल सी इट मोर. ये अंग्रेजी में की भी ये कैसे विलियम वर्ड्सवर्थ वाला स्टाइल इसमें आ गया डोर और मोर का, कि इसलिए आप फिर वापस नहीं आ पाओगे, यहीं पर रहना है, इसी को जो है स्ट्रॉन्ग बनाना है. एंड ही सेज वन मैन एंट्रेंच्ड कैन होल्ड 100 फोर्स, यहां पर रहे तो आपके 100 बंदे भी आएंगे उनका भी मुकाबला कर लोगे, लेकिन वन शुड प्रोवाइड द फोर्ट विद शाफ्ट एंड गन, अपना किला मजबूत करो, उसको स्ट्रांग बनाओ, अपना अनाज स्टोर करो, वो सब करो और देखो कि मैं अपने आप को यहां पर कैसा स्ट्रांग बनाकर टिके रहना है. चौथी स्ट्रेटजी आगे, टिके रहो, किला स्ट्रांग बनाओ, अनाज हो, स्टोर हो, हथियार हो, वो हो, ये हो, सब कुछ हो. अब ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई. अब किंग इज थॉरली कंफ्यूज. एक छोटा सा इसमें पॉइंट जो रह गया था, यूनियन ऑफ द स्मॉलर वंस बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड कैन नॉट डू एनीथिंग ऑफ द श्रब्स. ये जो श्रब्स होती हैं जितनी भी आंधी है उनको उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, लेकिन अगर एक पेड़ कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जब आंधी आएगी उसको जड़ से उखाड़ कर वो ले जाएगी. इसलिए आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू करो, स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू करो. इसकी समरी मैंने क्या बनाई है, to strengthen oneself means that the base is solid but preparations are to be made to make sure that the enemy is defeated. Us hisab se aapko apni taiyari karni chahiye. Yahan tak ho gaya. Panchwa kehta hai ki na aapko yuddh karna hai, na aapko sandhi karni, na base chhod kar jana, yahan strong bhi rehna, lekin sath hi sath aapko dusron ke sath alliance karne hai. Agar aaj हिंदुस्तान चाइना के साथ डोकलम में कर रहा है, एक वेबिनार हमने किया था इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न से इंडो पैसिफिक, उसमें बात यही आई थी दैट द टाइम हैज कम व्हेन इंडिया शुड फ्रॉम लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट टू एग्रेसिवली मूव ईस्ट बाय हैविंग द ग्रोइंग चाइना बाय अलाइनिंग इटसेल्फ विद वियतनाम कंबोडिया लाओस एटसेट्रा बाय हैविंग द स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ट्राइब्स विद ईरान एंड अफगानिस्तान बाय टेकिंग बैक बांग्लादेश नेपाल भूटान विद इट सो दैट द चाइना आल्सो फील्स दैट ये इंडिया अकेला नहीं है. मेरी जो ज्योग्राफी है, मेरी जो बाउंड्री है, उसके ऊपर जितने भी छोटे छोटे कंट्री हैं, दे आर द एलाइज ऑफ इंडिया. आई थिंक दैट द अवर फॉरेन मिनिस्ट्री दे शुड टेक लेसंस फ्रॉम पंचतंत्रा दैट द दिस इज द सिचुएशन राइट सिचुएशन फॉर देम टू स्ट्रेंथन देयर अलायंसेस विद द सो मेनी कंट्रीज हु कैन पुट प्रेशर ऑन चाइना. एनी हाउ कमिंग बैक, फिफ्थ स्ट्रेटजी सेज अलायंस विद अदर्स. And why alliance with others? Whoever may be, how much deft and brilliant, no good can be attained without friend. दोस्तों के बिना आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते. File which seems to be immortal will die when the fanning wind is still. वो बुझ जाएंगे आप. जब हवा चलनी बंद हो गई, वो जो है immortal आपको दिख रही है, वो बुझ जाएगी. आपको support चाहिए, दूसरों की support चाहिए, जो तुम्हारे well-wishers हैं, उनकी support चाहिए. Hence, stay at home, seek some competent ally to make a counterweight against the enemy so that there is a pressure on the enemy. Usko lage ki ye akela nahi hai, iske saath aise log hain jo kal ko idhar udhar se aakar mera nuksan kar sakte hain. Panch strategy aapke samne abhi tak maine rakh di hai. Panch strategy, haan, is mein ek aad point aur reh gaya. Wind is friend to forest fire and causes it to flame the higher. Wohi jo hawa forest fire ke को बढ़ाती है. द सेम विंड ब्लोज ए कैंडल आउट, वो एक मोमबत्ती को परख से बुझाकर चली जाती, लेकिन अगर वो फॉरेस्ट में आग लग गई हो तो उस आग को वो बढ़ाती हुई जाती है. इसलिए हमें अब अपने अलायंस जो है लेने चाहिए, आसपास दोस्त इकट्ठे करने चाहिए. हाउ टू मैनेज कंफ्लिक्ट, पांच स्ट्रेटजी आई हाउ टू मैनेज कंफ्लिक्ट. दुश्मनी, दोस्ती, मूव अवे, स्ट्रेंथन, अलायंस. अब क्या करे राजा,
उसने तो मीटिंग बुलाई है और ये सारे बड़े सियाने हैं, सो नाउ ही इज टर्निंग टुवर्ड्स द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड द मोस्ट जिसको बोलता है कि रिलायबल मिनिस्टर, ही सेज के जनाब अब मैं इतना कंफ्यूज हो गया, आप ही मेरा रास्ता बताइए कि मैं क्या करूं। एंड द सिक्स्थ पर्सन व्हाट ही टेल्स किंग दैट ये पांच बच्चे हैं, इनको बहुत सारी चीजों का दुनिया का कुछ मालूम नहीं है, इनको नहीं पता कि एक राजा को कैसे दूसरों के साथ बिहेव या एक्ट करना चाहिए। सो ओहो, ये एक उसमें से फिर रह गई थी, अलायंस कैन बी विद स्ट्रॉन्ग वंस आल्सो, समरी, सॉरी इसकी समरी। आपको स्क्रीन दोबारा शेयर करनी पड़ेगी, स्क्रीन प्लीज, मैं आप दोबारा शेयर कीजिए। मैं हां जी हां जी ओके हां जी हां जी हां जी मैं दोबारा से आता हूं, दोबारा से आता हूं। राजेश जी प्लीज स्क्रीन शेयर मत कीजिए, मैं दोबारा से आ रहा हूं। There is something wrong, sir. You are not audible. Audible नहीं हूँ मैं क्या? मैं screen अभी नहीं नहीं audible तो है, screen share कीजिए। अभी मैं screen share कर रहा हूँ दोबारा से। जी। आ गया क्या screen पर? बस वो मैं उसी पे रहा था। नहीं आप वो उस पर क्लिक करें, नहीं आया। आ रहा? हाँ जी अब आया, मैं उसी उसी के ऊपर आ रहा हूँ। ओके यहाँ पर था। हाँ जी हाँ जी ओके प्लीज। जस्ट 10 seconds जस्ट I'm coming to that third strategy. I was at the fifth strategy, na? मैं पांचवें पर था ना? जी जी हाँ जी हाँ जी I think fifth के मैं end पर था, alliance with others. अभी आवाज आ रही है? Screen आ रही है? आशुतोष जी आवाज आ रही है? Loud and clear. हाँ जी clear है clear है. ठीक ठीक है ठीक है. तो मैं ये पांचवी strategy थी, उसके मैं summary पर था. To have alliance with other means capturing the market. अब देखिए, इसको आप corporate sector के हिसाब से देखेगा. कैप्चरिंग द मार्केट, आइसोलेटिंग द अपोनेंट, ये जो है वो स्ट्रेटजी की बात हो रही है, क्योंकि ये डिसरप्शन हो गया। अब मैं उसी से, मुझे पता नहीं चला कि बीच में आपने सुना कि नहीं, दैट द सिक्स्थ मिनिस्टर हु इज द मोस्ट वाइजेस्ट, जो उनके साथ उसके फादर के साथ भी, शायद राजा के फादर के साथ भी काम किया होगा, ही टर्न्स टुवर्ड्स हिम एंड ही इज आस्किंग कि दैट यू प्लीज एडवाइज एंड टेल मी व्हाट आई शुड डू, एंड ही सेड ये सब बच्चे हैं, इनको नहीं मालूम कि एक राजा को किस तरह से दूसरे के दुश्मन के साथ बिहेव करना चाहिए। सो व्हाट एडवाइस ही गिव्स टू मैनेज दिस कॉन्फ्लिक्ट इज, ही सेज डुप्लीसिटी, थिंक यू शुड अडॉप्ट दिस पॉलिसी ऑफ डुप्लीसिटी, करना कुछ और है दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है दिखाना कुछ और है, क्यों? You must regard with like a distrust both peace and warlike measures. You must seek through duplicity your goal with the powerful force of evil soul. ये बदमाश है, इनके साथ जो है पीस वॉर की बात नहीं होगी, इनके साथ duplicity का ही तरीका adopt करना पड़ेगा, how to manage the conflict, how and why. Then he says, those who themselves trust nobody and have a single eye to self-interest can win the trust of an enemy and easily destroy him. आप इस तरह से उसको छलावे में लेकर आना है जिसे उसका ट्रस्ट जीतना है, और ट्रस्ट जीतने के बाद उसको डिस्ट्रॉय करना है। नो हाउ ही एक्सप्लेन्स दिस स्ट्रेटजी इज, विद द गॉड्स नो लेस बट ट्रीट ऑल अदर क्रीचर्स टू डिसीट, भगवान को छोड़कर उसको
सर्वव्यापी एक सर्व शक्तिशाली पावर उसको छोड़कर बाकी सबको जो है डिसीट के ही तरह से आपको ट्रीट करना चाहिए। प्रोसीड इन स्ट्रेट फॉरवर्डनेस विद ब्राह्मणा, ब्राह्मणा का मतलब जो लर्नर पर्सन है उसके साथ सीधी और स्पष्ट बात करनी चाहिए, टीचर्स के साथ तुम्हें खुद बात करनी चाहिए, और याद रखना ए काउ सीज ए थिंग बाय द सेंस ऑफ स्मेल, लर्नर पर्सन परसीव्स द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्चर्स, बट अदर क्रीचर्स यूज देयर आईज एंड किंग परसीव्स इट विद द हेल्प ऑफ ए स्पाइस। अपने स्पाइस की मदद से आपको उसका ट्रस्ट जीतना है, उसको छलावे में लेना है, छलावे में लेने के बाद उसको डिस्ट्रॉय करना है। This is the duplicity strategy which the sixth minister is proposing, and he says, "Aisa Raja who is well served by spies, who knows the functionary of his force." Ja, maine wo dala nahi hai wahan par, isme arth panchtantra mein 18 functionaries ko explain kiya ke aise apne dushman ke kaun se 18 log hote hain jinke upar nigah rakhni chahiye. But he says, "Who knows his retinue no less is never plunged in deep distress." और इसकी समरी मैंने क्या बनाई है, दिस इज द श्रूडेस्ट मूव टू बी अडॉप्टेड। क्रिकेट खेलो हिंदुस्तान पाकिस्तान, साथ ही साथ जो है अपने टेररिस्ट जो है वो भी भेजते जाओ। आई थिंक दैट द दिस इज बीइंग फॉलोड बाय पाकिस्तान सिंस लास्ट 20 इयर्स। साथ ही साथ दोस्ती की भी बात करो, साथ ही साथ कल्चर प्रोग्राम की बात करो, साथ ही साथ जो है ISI के थ्रू जो है वो बॉर्डर के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन भी करते चलो। डिस्गाइजिंग द ओपोनेंट मेक्स हिम कंफ्यूज्ड, उसको पता ही नहीं चलेगा ये मेरे साथ है, मेरे खिलाफ है, मेरा दोस्त है, मेरा दुश्मन है, वो कंफ्यूज्ड सिनेरियो में रहेगा। अब एज फॉर द दिस स्ट्रेटजी इज कंसर्न एंड टू नो द वीकनेसेस ऑफ द ओपोनेंट मेक्स वन स्ट्रॉन्ग। ओपोनेंट जो होता है उसकी कमजोरियों से आप हो जाओगे और एनिमी को तबाह कर दोगे। अब राजा के सामने ये मैनेज कैसे करना कंफ्लिक्ट, छह स्ट्रेटजीज आ गई। छह की छह स्ट्रेटजी है, वॉर है, संधि है, स्ट्रॉन्ग बनाना, मूव अवे होना, अलायंस करना और आखिर में डुप्लिसिटी करना। अब क्या करेगा, क्या करे? देन ही टेक्स द हेल्प ऑफ दिस मिनिस्टर जिसने ये सलाह दी थी। उसने कहा ठीक है मैं आपकी सलाह मानता हूं, आप जो कह रहे हो डुप्लिसिटी आई विल फॉलो इट। तो फिर वो एक गेम प्लान बनाते हैं। मैं फिलॉसफी से कहानी को भी तो आगे बढ़ाना है, अब कौओं और उल्लुओं की लड़ाई हो रही है, वो एक गेम प्लान बनाते हैं। गेम प्लान क्या बनाते हैं, दैट मिनिस्टर टेल्स किंग दैट आप ऐसा करना, मेरे को ना चोंच चोंच मारकर थोड़ा सा इंजर करके उनकी जो बाउंड्री है उसके पास कहीं जो है जाकर ना इस तरह से मैं गिर जाऊंगा जैसे कि आप मेरे को जख्मी करके चले गए। फिर आपस में वो प्लानिंग जो है उसके हिसाब से वी विल सी हाउ द सिचुएशन इज देयर। देयर प्लान इज दैट कि वो इंजर्ड हो जा होकर पड़ा होगा और उल्लू समझेंगे कि ये इनका जो है आपस में लड़ाई हो गई है, तो फिर उसको वो अपने पास बुलाकर ले आएंगे। इन अदर वर्ड्स द आउल्स व्हेन दे सी दैट द मोस्ट ट्रस्टेड एंड द वाइजेस्ट एंड द डिपेंडेंट मिनिस्टर इज लाइंग इंजर्ड देयर एंड दे आस्क हिम व्हाट हैज हैपेंड, He tells them कि मेरी उनके साथ यार झगड़ा हो गया, मैं तो उनको कह रहा था कि उल्लुओं की शरण में चले जाना चाहिए हमें, we should surrender to them, they did not listen to me and they have just abandoned me here, so now you save me। अब यहां तक तो ठीक है, अब उल्लुओं के पास भी उस मिनिस्टर है, कौओं के पास मिनिस्टर थे, उल्लू के पास भी मिनिस्टर है, उसकी भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। He is also asking his council of ministers, भाई मैं क्या करूं इसका, मैं इसका क्या करूं, Please give me the advice what I should do। और उनका जो सबसे जो conflict resolution के जो आउल उनको सलाह देते हैं, तीन चार points है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। The first minister of the owls gives the advice that करना क्या है, You should eliminate him immediately, murder him, already he is injured, you just eliminate, why he should be eliminated, he's asking, he says one should eliminate the enemy without hesitation, otherwise later he will fight with augmented power, agar ye mauka haath se nikal gaya to gadbad ho jayegi, bach kar chala gaya iska kya bharosa ye fir jaakar unke saath mil jaye, aur isliye isko abhi hame maar dena chahiye, dushman ko kabhi zinda nahi chhodna chahiye, he who will not, dekhiye He who will not when he may, जब आप कर सकते थे जब आपने नहीं किया,
जब आप करना चाहोगे तो फिर आप कर नहीं पाओगे. He who will not when he may, when he will, he shall have nay. इसलिए इसको eliminate कर देना चाहिए. And he says, kill a weakling lest he grow hard to smite. इससे पहले कि वो इतना मजबूत हो जाए, with augmented power he will fight. And when he is dead, you will without effort enjoy a thornless kingdom. वो यही मर गया, इसका सबसे बड़ा वजीर ही मर गया, तो समझ लो कि तुमने उनके राजा राजा राज्य के ऊपर ऑलमोस्ट एक तरह से यू हैव ऑलरेडी ओवरपावर्ड इट, कैप्चर्ड इट, यू जस्ट एलिमिनेट हिम. सो द फर्स्ट मिनिस्टर इज गिविंग दिस एडवाइस दैट श्रूड मैन अनमास्क ए फो हु सीम्स ए फ्रेंड. अब ये देखो वो कह रहा है कि ये बड़ी मीठी बात कर रहा है, मित्रों जैसी बात कर रहा है, इसके चेहरे से नकाब उठाओ, इसकी स्पीच बड़ी भोली वाली है, इसके एक्शन बड़े हेट्रेड वाले होंगे, रहे हैं हमेशा, सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स, वी शुड किल हिम, एलिमिनेट हिम. एक नहीं है, उसके पास भी दो तीन मिनिस्टर हैं. सो एज यूजल किंग ही थिंक्स दैट ही शुड सीक द एडवाइस ऑफ द अदर मिनिस्टर आल्सो. सो वो दूसरे मिनिस्टर से पूछता है, भाई मैं क्या करूं? ही सेज के यार वी शुड ट्रीट हिम एज ए गेस्ट. हैं ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि उसको आवाज आ रही है ना आशु जी? बीच में कोई ना कोई गड़बड़ कर देता है. व्हाट द प्रॉब्लम विद दीस पीपल? अरे क्या है, दोबारा से करूं क्या? पिन भी की दोबारा करूं? थोड़ा सा इसको ना छोटा करके बस उसको आप प्रेजेंट नाउ पे दोबारा कर दीजिए, बस हाइड करके, पूरा नहीं हटाने की जरूरत है. आई डोंट नो हाउ टू डू इट. फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रेजेंटेशन दोबारा से रीलोड करना. नहीं नहीं, प्रेजेंट नाउ पे, प्रेजेंट नाउ पे. नहीं अभी तो मेरी मेरे लैपटॉप पर कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ मेरी प्रेजेंटेशन ही मैं देख पा रहा हूं. शुड आई एंड शो? ओके चलिए. नहीं नहीं, एंड शो नहीं करना है, वहीं पे आपका होगा कि प्रेजेंट नाउ पे जाइए आप. वो है ही नहीं ना इसके ऊपर, प्रेजेंट नाउ आ ही नहीं रहा ना. स्टॉप शेयरिंग का एक मैसेज आ रहा है या हाइड का आ रहा है? नो चलो चलिए कोई नहीं, आप प्लीज कंटिन्यू विद दिस. मैं फिर वर्बली बताता हूं अब क्या करें. द लॉस इफ ऑफ द अदर इफ समबडी कंटिन्यू टू कमिट द मिस्टेक. एनी हाउ द सेकंड स्ट्रेटजी इज दैट द दूसरा मिनिस्टर बोलता है कि ट्रीट हिम एज ए गेस्ट. एक सेकंड, मैं कर रहा हूं दोबारा. प्रेजेंट नाउ में जाकर के दोबारा उसको शेयर करना पड़ेगा जी. मीट के कुछ एक लिमिटेशंस हैं तो वो जी. अब ठीक है, अभी मेरे को फिर वो वापस स्लाइड पर कैसे लाना? आई डोंट नो. यस नाउ इट इज, आई डोंट नो वेयर इज द प्रेजेंटेशन, आई कांट सी. नहीं नहीं, प्रेजेंटेशन सेकंड, मैं उस स्लाइड पर लेकर आता हूं. कहां पर था मैं? ट्रीट हिम एज ए गेस्ट पर था ना मैं. ये जो दिखाई दे वो पता क्या होता है ना, उसमें क्या है ना कि सेकंड स्ट्रेटजी वो फ्लो जो है इंसान का खत्म हो जाता है. पीपल डिस्टर्ब, आई एम सॉरी, आई माइट बी सेइंग दैट द व्हाई दे डिस्टर्ब. दिस इज द व्हेन यू आर स्पीकिंग यू आर इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो एंड द मेंटल स्टेट. आई रिक्वेस्ट द पीपल दैट दे शुड नॉट डू इट. एनीहाउ सो सेकंड स्ट्रेटजी इज दैट वो बोलता है कि ट्रीट हिम एज ए गेस्ट, इसको मेहमान की तरह हमें व्यवहार करना चाहिए. ही सेज कमाल है, ये कह रहे हैं कि एलिमिनेट कर दो, आप बोल रहे हैं कि गेस्ट की तरह. व्हाई? ही सेज हूएवर डज नॉट गिव हिज बेस्ट टू चीयर द लेट अराइविंग गेस्ट विल सी हिज मैरिट बोर्न अवे. अरे आप दूसरों की गलतियां, दूसरों के पाप की वजह से आप खुद पाप के भागीदार क्यों बनने जा रहे हो? वो इंजर्ड हुआ पड़ा है, वो आपकी शरण में आया है, वो आपकी बाउंड्री पर पड़ा हुआ है, और वो आप उसको कह रहे हैं कि इसको मार दो. अबंडेंट थॉट्स ऑफ हेट डेराइविंग फ्रॉम माई कैप्टिव स्टेट on virtue set your heart and pay this man such honor as you may. इसको लेकर चलो, इसका इलाज करवाओ और देखो कि इसको गेस्ट की तरह कैसे रखना चाहता है. If you have not in your nest provisions for a single guest, क्या फायदा तुम्हारे राज्य का जो अगर उसमें एक बंदे को आप रख नहीं पा रहे हो? Who occupied today tomorrow a nest that harbors not but sorrow? कल को जो है इसमें क्या होगा आपको? दुख, तकलीफ, घृणा, द्वेष, नफरत. So इसको गेस्ट की तरह रखो. थर्ड मिनिस्टर, उल्लुओं का तीसरा मिनिस्टर, उसको क्या कह रहा है?
भाई ना मारना है ना गेस्ट रखना, इसको दोस्त बना। ये तो हमारे सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है, क्यों दोस्त बनाओ इसको। एडवांटेज में भी एंटिसिपेटेड फ्रॉम ए बेनिफिक्टर थीफ दो ही में भी, चाहे वो हमारे साथ दुश्मनी रही है, चोर है, कैसा है, अटैक करता रहा है, उसका फायदा उठाना चाहिए। हैविंग बीन maltreated बाय देम, उन्होंने इसके साथ बुरा व्यवहार किया है, अगर हम इसको लेकर जाएंगे अपना दोस्त बनाएंगे, ही विल लेबर फॉर आवर सक्सेस, ही शुड नॉट बी किल्ड। अब देखिए इधर भी जो है तीन मंत्री हैं, इधर भी अलग अलग कह रहे हैं मार दो, अबंडन कर दो, गेस्ट बना लो, एंड चौथा कह रहा कि कुछ मत करो, इसको उठाकर वापस फेंक दो, उसको बोलो दौड़ जा, जहां से आया था वहीं से चला जा, सेंड हिम बैक। ये चार स्ट्रेटजी जो है कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट की जो है वो उर्दुओं का मिनिस्टर बताता है। एज फार एज द टॉपिक इज कंसर्न, उसमें ये हमने छह स्ट्रेटजीज वो देखी, हाउ टू मैनेज कंफ्लिक्ट जो कौओं ने बताई, उसमें से चार स्ट्रेटजी जो है वो देखी है कि आपको जो है जो आपके साथ ऐसी सिचुएशन आ जाए वेयर द अदर पर्सन हु इज योर ओपोनेंट, वेदर वी शुड मेक हिम फ्रेंड, वेदर वी शुड अबंडन हिम और वी शुड डिस्ट्रॉय हिम, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ 10 टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज व्हिच हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन पंचतंत्र। अब ये मैं नहीं कह रहा कि दैट द विच स्ट्रेटजी शुड बी फॉलोड, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड द सर्कमस्टांसेस, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट when we started this human development policy research and training center, me and Dr. Ashutosh, what was in our mind that inhi cheezon ko agar aap kisi foreigner ke naam se ek book mein publish kar dete then people bole log bolenge wah wah wah, so and so from so and so country has brought a book about the conflict, how to manage conflict, various strategies, lekin ye sari cheeze hamare granthon mein chupi padi hain। तो एचडी पीआरटीसी का द मेन पर्पस इज कि इन सारी छुपी हुई चीजों को उठाकर बाहर निकालें और मॉडर्न सिचुएशन में रेलेवेंट बनाकर लोगों के सामने रखें, ताकि हमें पता चले कि हमारे ग्रंथों में किससे कहानियां और चमत्कार ही नहीं है, उनमें मैनेजमेंट भी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, यू नेम एनीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। सो बेस्ड ऑन दिस कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट रेजोल्यूशन, फाइनली मैंने कुछ जो कंक्लूजन्स निकाले हैं, this story is a masterpiece on strategy formulation and conflict management. It indicates that one should at first assess one's rival in view of enemy's strength, one's own strength level, one should think, plan and take the next step to counter the enemy. Iska matlab jaisa ki general Campra aur general Chopra hain, sir jo stroke dene hain wo dushman ko dekhkar stroke dene, pehle nahi bol dena ki char stroke usko de diye, तो अपनी स्ट्रेंथ लेवल, उसकी कैपेसिटी क्या है, प्लान करके तभी जो हमें वो देखने चाहिए। एंड इट आल्सो सजेस्ट दैट एसेट मैनेजमेंट इट्स बिल्ट अप इज द फॉरमोस्ट थिंग, इससे पहले कि आपको डिसीजन लो यू हैव टू कैरी आउट द एसेट मैनेजमेंट। एंड इट सेज इंक्रीज द रिसोर्सेज, बिल्ट अप द कैपिटल सो दैट देयर इज अ मैचिंग फोर्स। सो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, असेसिंग राइवल, his strength, own strength, and then asset management, increasing the resources, built up the capital, and finally, it's a treatise on shrewdness, intelligence, and the tactful handling of the opponent. ये है इस कहानी से जो मेरे को lessons मिले हैं। जितनी बार इस कहानी को पढ़ेंगे, थोड़ा रुक कर पढ़ेंगे, थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा देखेंगे, and if you try to in your personal or professional life, you will understand. And especially that the duplicity, let's be very frank, we all play duplicity always in our personal and professional life. When we fill up the form, definitely people will say that the today's presentation was excellent, though might be saying ke aisi kya nayi baat bata di. We play duplicity everywhere in our personal and professional life. So ye thi meri presentation, lekin friends kahani abhi baki hai, ab sirf kahani hi baki hai, presentation khatam ho gayi, because there might be curiosity in the mind that ultimately what happened, hua kya, hua ye ke jo injured jo kaua tha usko wo utha kar le gaye, usko apne kile mein le gaye, aur jab wo le gaye uske thode wo zakhm wakam the unhone theek kiye, to uske baad usne unse request ki ke maharaj main to aise main boodha ho gaya hu, meri to umar bhi khatam hai, injured tha,
मुझे इधर में अपने गेट के दरवाजे के पास जो है ऐसे पड़ा रहने दीजिए, दो चार दिन मैं काट लूंगा किसी तरह से। Now again that the owls kings one of the minister gives the advice के भाई एक तो आपने गलती की इसको ले आए, secondly आपने इसका treatment किया, thirdly अब इसको you are going to keep him permanently, fourthly you are going to accept his request के इसको गेट के ऊपर रख दिया जाओ, अगर इसको रहना है इसको किले के अंदर जो है कहीं कैद में रखो, नजर के सामने रखो, इसके ऊपर पहरा बैठा कर रखो, and if you don't do such type of things then there will be a problem. Now, king did not listen. अब मैं सिर्फ कहानी ही बता रहा हूं कि हुआ क्या। King did not listen to this thing and he allowed that this crow should be gate के पास वो सिपाही बैठे होते वहां पर जो है रहे। That was his planning. वो इसलिए गेट पर रहना चाहता था so that he could keep an account that how much is the force, how many people are coming, how many are going, at what time they are coming, what time they are going, वगैरह वगैरह वगैरह। And he has already made a planning with his king. जो क्रोस का किंग था कि एट एन अप्रोप्रिएट टाइम आई विल गिव यू अ सिग्नल। अब एक दिन उसको पता चलता है कि आज जो है ये अब सब अपने उल्लू जो है शिकार करके खूब खा पी कर जो है मस्त होकर पड़े हुए हैं, सुस्ती छाई हुई है और इनमें जो है वो बस मौका है, तो अपनी चोंच में एक छोटी सी जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा वो लेकर उड़ान भरता है, विच इज ए सिग्नल टू हिज किंग, और सारे क्रोज जो है वो तीलियां जो है जलती हुई अपनी चोंच में लेकर आते हैं और आकर जो है उल्लुओं के ऊपर वो आग गिरा देते हैं और उल्लू जलकर खाक हो जाते हैं और क्रोज की जीत हो जाती है। ये थी मेरी प्रेजेंटेशन और ये थी मेरी कहानी का अर्थ। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी बीच में क्योंकि वो फ्लो बहुत बुरी तरह से टूट गया था, मेरी कंसंट्रेशन खराब हो गई थी। ये होता ही है, पार्ट ऑफ दिस वेबिनार्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ हम कभी भी शायद उपयोग करना हमें नहीं आ रहा। हालांकि एक मर्यादा शब्द है, उस मर्यादा को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं इन सब बातों में और इसलिए फिर वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। और अब आप सभी के लिए आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के क्वेश्चंस, आप लोगों की कोई क्वेरी है या कोई और परसेप्शन है तो दैट इज मोस्ट वेलकम। प्लीज डू शेयर योर क्वेरीज, कमेंट्स और क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी। वी लाइक टू इनवाइट यू कमेंट्स, क्वेश्चंस। और इसके साथ ये भी जनन साहब, वैसे ना एक चीज अभी मुझे लगता है कि एक हमें बात और ऐड करनी चाहिए थी कि ये दुश्मनी शुरू कैसे हुई, क्योंकि दुनिया भर में जितने भी देशों की आपस में दुश्मनी है या रेस में आपस में जो एक दुश्मनी है उसके कोई कारण। सर आवाज नहीं आ रही होते हैं और वैसा ही कारण वहां पर भी भांजी मार दी कमेंट्स। सर आर यू, बीच में आवाज कट रही है आपकी, बीच में आवाज कट रही थी, अभी एम आई ऑडिबल? हाँ अब आ रही। हाँ सब ओके मेरी भी। हाँ दो बातें सर मैं यहाँ पर सजेस्ट करना मैंने बता देना चाहूंगा। इस कहानी पहली बात तो ये जो कहानी पंचतंत्र की ये हमारे क्षेत्र की है, पाटलिपुत्र की है और सुदर्शन नामक राजा हुआ करते थे और ये एक्चुअल घटना है। मध्य काल में वैशाली और मगध दोनों एक प्रतिद्वंदी राज्य हुआ करते थे। वैशाली बहुत मजबूत था और मगध उसके अपेक्षा कमजोर था। ये गए वहां से, दोनों में जल के कारण लड़ाइयां हुआ करती थी। ये दोनों मिलकर गए बुद्ध के यहाँ तो बुद्ध ने कहा कि देखो उसके पास चार पांच मंत्री हैं जो नियमित रूप से बैठते हैं और जब तक उनकी मित्रता बनी रहती है तब तक आप उनके साथ युद्ध नहीं कर सकते हो, बड़े शक्तिशाली हैं। और जो अभी आपने जो कहानी सुनाई वो कहानी जो है उसी से ही है। उनका एक मंत्री, मगध का एक मंत्री को पीट पिटा करके लोगों ने माथा मुड़वा कर भेज दिया था और उसके बाद ये सारी घटनाएं हुई है। और विष्णु शर्मा जी ने इसी को पंचतंत्र की कहानी के रूप में रखा है और चूंकि ये पटना की ही कहानी है
वो कहता है अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम तत्र सर्वस्व विघ्नपीत सुदर्शनो नामक नरपति आसीत स भूपति एकदा केनापि पाठ्यमान द्वय श्लोक श्रियाव अनेक संशय छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनं शास्त्र। उसके बाद उसको दिक्कत होती है कि कूर्द पुत्र न जायते यौन विद्वान न धार्मिक काणे न चक्षुषा किं वा चक्षु पीड़ा केवलम। और तब वो सभा बुलाता है और उसमें कहता है कि हमारे जो पुत्र हैं वो बड़े नटखट हैं, शास्त्र के जानकार नहीं है, आप इन्हें जो है आलोकित करें। और तब विष्णु शर्मा उनके पास आते हैं। इसीलिए मैंने जो है कोशिश की है कि सारी चीजों जी मैंने कोशिश की अपनी प्रेजेंटेशन में आप सभी लोगों को एग्जांपल्स जो है करंट समय की देने के लिए कि करंट में मैंने इट इज वंडरफुल एक्सप्लेनेशन मैंने आई हैव इंबाइब्ड यू आई एम एनलाइटेंड विद यू बट आई जस्ट रिमेंबर कि दिस स्टोरी बिलोंग्स टू बुद्ध पीरियड एंड दिस एक्चुअल द सेम हैपनिंग हैज टेकन प्लेस थैंक यू वेरी मच थैंक यू जी थैंक यू ये बात बिल्कुल सही है और ये वाकई घटना ऐसे ही घटी है जैसा आपने बताया है। और अभी तो जो इसका कथा मुख जिसे कहा जाता है जो इसके बिगनिंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उस पर अभी हमने कभी वर्कआउट नहीं किया लेकिन वो भी अपने आप में एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स के लिए वो बड़ी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, उनको भी लेंगे। और मैं चाहूंगा कि सेंटर की ओर से आप लोगों को भी इनवाइट करूंगा कि अगर आप लोग इस तरह का कोई प्रयास करते हैं, इस तरह की कोई एफर्ट कर सकते हैं कि एंशिएंट विजडम इन मॉडर्न टाइम्स कोई भी टॉपिक हो, दुनिया भर का आसमान के नीचे और धरती के ऊपर कोई भी आपके ध्यान में कोई टॉपिक हो जो एंशिएंट विजडम इन मॉडर्न टाइम्स से रिलेटेड हो तो उसको प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम लोग चाहेंगे कि आप लोग उसको प्रेजेंट करें, लोगों के साथ साझा करें और हम लोग समझें अपने रूट्स को देखें और समझें उसको एक्नॉलेज करें। तो और किसी के कोई कमेंट्स हैं प्लीज डू शेयर योर कमेंट्स और योर क्वेश्चंस रादर। हां आशुतोष जी एक बात जानना चाह रहा था मैं। हेलो जी जी बोलिए गुप्ता जी। सर अभी आपने एक प्रश्न रखा था कि दुश्मनी कैसे प्रारंभ होती है, तो उसका उत्तर देना चाह रहा था मैं। जी जी कि दुश्मनी तब शुरू होती है जब एक पक्ष अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए डोमिनेंस करने की कोशिश करता है और दूसरा पक्ष सरेंडर करने की बजाय उसका मुकाबला शुरू करता है जी। क्योंकि तो यदि आप सरेंडर करते रहेंगे जैसे हमने किया, एक उदाहरण दे देता हूं सर मैं आपको कि 1962 में हमने लड़ाई तो लड़ी लेकिन सरेंडर किया और उसके बाद हम बहुत साल तक जमीन तो लेना बहुत दूर की बात बातें करते हैं और एक ऐसा वातावरण बना दिया हमने कि जैसे हमारी दुश्मनी ना हो चीन के साथ, फिर भी चलती रही। अब गलवान में क्या हुआ, उस वाले डोकलाम में क्या हुआ कि जब चीन ने डोमिनेंस करने की कोशिश की और हमने सरेंडर करने से मना कर दिया तब जाकर वो हमारी दुश्मनी दोबारा से आ गई है। तो इसलिए राष्ट्रों के बीच में जो है जब क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है और दूसरा पक्ष हावी होने की कोशिश करता है और दूसरा पक्ष जो है उसको सरेंडर नहीं करता तब दुश्मनी शुरू होती है। और ये व्यक्तिगत डेनिस आर यू नहीं डॉक्टर साहब ये यहाँ पे ये कहानी डेनिस नो नो यहाँ पर ये बात नहीं है जी जी प्लीज एनीवन एल्स आर यू देयर यहाँ पे या कैन यू हियर मी या प्लीज वी कैन हियर आई जस्ट वांट टू लिसन टू यू डेनिस Amil and Ashutosh, it was very good presentation, but it is just I had some thoughts which I think might benefit because your focus is personality development and conflict resolution. I think, you know, maybe this was, what I'm saying may be a little outside today's topic, but I think, you know, maybe with some insights from Amil, you know, you can develop it. You know, it is scientifically proven that most conflict arises because of the conflict within us. See, now, you know, we discussed a lot of
personal conflict, but all of them have roots in intrapersonal situations, because sometimes our insecurities are responsible for accepting good advice, not accepting good advice, or trying to go in choose a particular path. So I was wondering, you know, Amil, you know, with work or your understanding, is there a way you can focus on the intrapersonal conflict, that is conflict all of us have at every time, you know, whenever we have to make a decision or when we have to choose some path. So I was wondering, you know, if you can add some insights from the intrapersonal perspective, because sure, that makes us much more proactive and prepared for any action we may like to take. Sure, Dennis. It's a very good thing which you have suggested. Definitely, we will work on that. Definitely. It's a very good thing. Rather that the conflict indeed will take us towards the resolution of the intrapersonal relationships. यहाँ पर थोड़ा सा इंटरपर्सनल की बात थोड़ी सी और इस तरह से भी है कि जब आप इस कहानी की शुरुआत को पढ़ते हैं बिगनिंग में, तो वहां पर ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ही है। वहां पर क्या है कि कौओं को जेलसी है कि ये उल्लू कैसे बन सकते हैं, और जो वो कमेंट्स वहां पे पास करते हैं उससे उल्लू जो है वो राजा नहीं बन पाते कि ये क्या है, अंधे हैं, इनको दिखाई नहीं देता, और इस तरह के बड़े, जिस तरह से हम पार्लियामेंट में देखते हैं कैसे एक दूसरे के प्रति व्यवहार करते हैं, तो वो इंट्रापर्सनल सारी चीजें हैं। लेकिन यह है कि एक बार में सारी चीजें एक्सप्लोर यहाँ नहीं की जा सकती, लेकिन ये बात बहुत अच्छी है कि अगर इस दिशा से अगर इन कहानियों को एक बार हम देखें और एक्सप्लेन करें तो कई सारी नए डायमेंशंस जो हैं इन चीजों की आ सकती हैं, और मुझे लगता है कि इन पे हमें चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि पंचतंत्र एक बार में समझ में आने वाली बात नहीं है। पोटेंशियल इसमें बहुत है। Good evening, Karna Varma. Can you listen? Would like to say something? Okay. General Kemra, Karna Varma. Karna Varma, आप बोलना चाहेंगे कुछ? Ashutoshji, Karna Varma is an academician. He is a PhD. He is a colonel from Signals, but he is a PhD and he has done lot of work and he is a visiting professor in the good number of colleges and the universities. Anyhow, चलिए कोई बात. Wonderful. We'd like to have his comments. intra country and all that, but lot of conflicts are within a family, you know, husband, wife, children. You know, a lot of these things are happening, but you know what has happened is, if at all we are able to resolve those conflicts well at home, we will be able to resolve conflicts outside the home. Now, can you focus on the conflicts at home? You know, there are so many things. You know, I think, you know, that would be an appropriate topic which will have an impact, immediate impact on the family welfare. Conflicts outside can be easily solved, but within the family, it's very difficult to resolve. No, there is also one story relating to it also. There were some frogs in a well, and one of the frog was tormented by his family members. So he went to have a friendship with a snake and asked them, you come and stay with me, and every day you will be taking a frog. So in that way, what happened when the entire frog were exhausted, he started eating his family members. Yes. He said, "For my friend, why you are eating me? It is my nature. I do not stay here hungry and empty a stomach." So it is again a very nice story relating to the family conflict resolution. We should not, I know you told that, you know, family problems are very difficult to solve, but we should not start with that premise. We'll have to see. Just now, you know, I was reading something about Vivekananda. He said, most of our answers are found, you know, when we look within. So, you know, we may have to, you know, if at all you present, you know, on this topic, I think, you know, a lot more, you know, you can try to pull out insights from within. Sure. Thank you. Definitely, we will take that up.
कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनैलिटी एनालिसिस जो है वो शास्त्र के आधार पे कैसे हो, क्योंकि ये व्यवहार शास्त्र है, ये पंचतंत्र जो है अप्लाइड शास्त्र है ये। और उसी तरह से जब हम वेदांत की बात करेंगे, शास्त्रों की बात करेंगे, और फिर जब उनको क्लब करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो पहले तो हमें पता तो हो कि क्या कुछ हमारे पास है, फिर उस सारे को इकट्ठा करना इट्स अ ह्यूज टास्क। उसके लिए आप सबकी जरूरत है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपनी अपनी बात साझा करें। हम इसको एक रेगुलर प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज करें, जहां पर हम डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इंडियन विजडम जो है, एंशिएंट इंडियन विजडम इन मॉडर्न टाइम्स, उसको एक्सप्लोर करें, और फिर एक नई बेहतर जो मनुष्यता है उसको हम आश्वस्त कर सकें। ये एक बड़ी आवश्यक बात है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक बात जो मैं जरूर कहना चाहता हूं और सब जगह कहता भी हूं कि वी इंडियंस आर नॉट बिलीवर्स, वी आर सीकर्स, वी डिफाइन अवरसेल्फ बाय सीकिंग। हमारे यहाँ विश्वास वाली कोई बात नहीं है, इसलिए ये चीज समथिंग रॉन्ग इज द वॉइस इज लॉस्ट। आप तो हम ध्यान में रखें इस बात को, मूल बात को ध्यान में रखें कि हमारा जो है हम जिज्ञासा से पहचान, प्रश्नों से पहचाने जाते हैं। आप दिमाग के साथ भी प्रश्न ही कर रहे होते हैं, कुछ परिभाषित होता है, विश्वास से नहीं परिभाषित। इसलिए जितना हम एक्सप्लोर करेंगे, और ये दायित्व भी है मनुष्य होने के नाते कि हम प्रश्न करना सीखें और प्रश्न करें और अग्रसर। तो ये एक सेंटर की इच्छा भी है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग नेक्स्ट जो वेबिनार हो वो आप लोग उसमें कुछ न कुछ प्रेजेंटेशन दें। इसी तरह से कोई भी एस्पेक्ट ले लीजिए, यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर योर व्यूज, योर थॉट्स, योर आइडियाज, व्हाटएवर इट इज। सर आई एम जनरल साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे फिर? आई एम अ मैन ऑफ बुद्धिज्म, इफ यू लाइक जी अविनाश जी, से समथिंग ऑन बुद्धिज्म। हां, बिकॉज़ कि आई एम बेसिकली अ स्टूडेंट बुद्धिज्म, दैट्स व्हाई दो आई हैव रेड पंचतंत्र एंड सो मेनी ग्रंथस एंड पुराण एंड उपनिषद्स आल्सो, बट माय फोकस ऑफ अटेंशन हैज गॉन टू द बुद्धिज्म ओनली, एंड दैट्स व्हाई इफ यू आस्क मी टू स्पीक एनीथिंग आई कैन अप्लाइड एथिक्स आई कैन श्योर दैट आई विल डिस्कस। So shall we stop it then? Should I stop recording? ठीक है, हाँ जी, मेरा ख्याल है।